वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप बीएससी एमएससी या पीएचडी स्कॉलर हैं और आप माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में या फिर लाइफ साइंस के लेबोरेटरीज में काम करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में जो कॉमन एंड बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में, उनका एक बेसिक आपको इंफॉर्मेशन की किस तरीके से कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है, क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, अपने मास्टर्स में आप गए हैं और आपको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करना है, या अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको अपने से एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपको उनको हैंडल करने के लिए अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको सेट करते हैं, क्या तरीके से आप उससे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये वीडियो का मेन टारगेट ये है कि चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमएससी स्टूडेंट हैं या फिर पीएचडी स्टूडेंट हैं, और अगर आप लेबोरेटरी में इंटरेस्टेड हैं और लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो उस लेबोरेटरीज में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो आपको दिखा देते हैं कि एक माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे वही लिस्ट है, दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका पीएस मीटर, देन ऑटोक्लेव, देन हॉट एयर ओवन, फिर उसके बाद बीएडी इंक्यूबेटर, फिर इंक्यूबेटर शेकर, फिर सेंट्रीफ्यूज, लेमिनार एयर फ्लो, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डीप फ्रीजर, वाटर बाथ, वेइंग बैलेंस एंड माइक्रोपिपेट। ये इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी की बेसिक्स होती हैं। इनके बगैर आप माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसा क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ अ पीएस मीटर। ये पीएस मीटर आपको दो तरीके का मिलता है, ये एक आपका टेबल वाला जो कि आपके वर्किंग बेंच पे क्या होता है रखा हुआ रहता है, और दूसरा ये हैंडी वाला है, आप इसको लेकर के कहीं पर भी मूव ऑन कर सकते हैं। इन दोनों ही पीएस मीटर का जो आपका पर्पज़ है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं लेबोरेटरी से बाहर किसी सैंपल को लेकर के उसके पीएच एनालिसिस करनी है, कोई अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई वाटर का सैंपल लेना चाहते हैं और आपको कहीं दूर जाना है, किसी फील्ड का लेना है, अगर आपको दूर जाना है, आप ये हैंडी वाला पीएच मीटर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आसानी से पेन जैसा आपका ये नॉब होती है, आप इसको पॉकेट में भी लेकर के चल सकते हैं, बैटरी बेस्ड होती है, बैटरी से चलता है। दूसरा ये टेबल वाला जो है ये आपके लेबोरेटरी में सेटअप होता है और इस ये फिक्स जगह पे होती है, आप इसको लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी आप मीडिया बनाते हैं, कोई भी बफर बनाते हैं, उनका पीएच लेना बहुत ज़रूरी होता है। पीएच का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स में समझाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या इनका एप्लीकेशन होता है। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मीडिया बनाने आना होना चाहिए, और मीडिया का पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप मीडिया बनाते हैं तो पहले आप उसका पीएच मेंटेन करते हैं, और पीएच मेंटेन करने के लिए आपको पीएच को मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका पेन और टेबल दोनों टाइप के जो आपके पीएच मीटर होते हैं, इनके वर्किंग प्रिंसिपल सेम होते हैं, सेम तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे ये जो आपको रॉड दिख रही है इसको आप बोलते हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर आप जिस किसी भी फ्लास्क में या जिस किसी भी बीकर में आपने मीडिया बनाया हुआ है, उस फ्लास्क में मान लीजिए आपका ये पूरा मीडिया है, आपने ये वाली नॉब को, ये आपका नॉब जो है वो पीएच को सेंस करने वाला है, और ये आपका टेम्परेचर का, दोनों ही नॉब को क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, तो आपके इस बीकर का या फ्लास्क का जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर को रीड करता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिस्प्ले आपका होता रहता है, और बाकी आपको ये पीएच का जो रीडिंग है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिगर में 4.8 आपको यहाँ पर दिख रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे मेन्यू होते हैं जिसमें आपको स्टार्ट करने से लेकर के कैलिब्रेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। ये जो आपको ब्लू कलर की यहाँ पे रॉड दिखाई दे रही है, इसमें होता क्या है, इसमें एक आपकी रॉड होती है जो कि पीएच को सेंस करता है, और इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए होते हैं। तो इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में ये वाला जो आपका यहाँ पे सोल्यूशन है उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन का कितना डिफरेंसेस होता है उसके बेसिस पे ये क्या करता है, पीएच को सेंस करता है। इसको यूज़ करने का और इसको सही से हैंडल करने का तरीका ये होता है कि आप ये वैसे नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे एक न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन होता है, जिस बफर सॉल्यूशन में क्या किया रहता है, डिप किया हुआ रहता है, ये कभी भी ऐसे ओपनली नहीं रखा जाता है। अगर आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपको इसलिए ध्यान देना चाहिए कि ये आपकी जो नॉब है वो हमेशा एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट के बफर में या इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस में डिप रहता है। आपको जब यूज करना है तो आप इसके नॉब को ओपन करते हैं, इसको निकालते हैं, पहले डिस्टिल वाटर से क्या करते हैं, वॉश करते हैं। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इसको आप टिश्यू से पहले क्या करते हैं, वाइप कर लेते हैं, सब सुखा लेते हैं, देन आपका जो भी आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको डिप कर देते हैं, डाल देते हैं।
तब तक आप इसको छोड़ देते हैं जब तक ये रीडिंग की वैल्यू स्टेबल नहीं जाती, रीडिंग आपकी फ्लक्चुएट करती रहती है, जैसे लाइक 4.7 आएगा, 7.9 आएगा, 7.8 आएगा, इस तरीके से जब स्टेबल वैल्यू हो जाती है तब आप इसको क्या करते हैं, वही पीएस वैल्यू आपको नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ के टाइम पे अभी 4.80 दिखाई दे रहा है, वो पीएस की वैल्यू आपकी हो जाती है। ये हैंडी वाला जो है बहुत सिंपल है, इसके लिए कुछ वॉशिंग की जरूरत नहीं होती है। आप मतलब सिंपली निकालिए, अपने सॉल्यूशंस में डालिए, यहाँ पे आपको ये रीड करना दिखा देता है। यहाँ पे ऑन ऑफ करने का बटन होता है, बैटरी से चलती है, बैटरी आप निकाल सकते हैं या फिर ये ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पीएच मीटर को लेकर के मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका पीएच सही से यूज नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको पीएच में क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे पीएच को कैलिब्रेट करने का एक तरीका होता है कि आप कैसे जानेंगे कि जो आपका पीएच मीटर रीडिंग दे रहा है वो सही है या नहीं है। उसको करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस होते हैं, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस होते हैं। तीन सॉल्यूशंस होता है आपका, पीएच 4 का, पीएच 7 का और पीएच 10 का। ये बफर सॉल्यूशन जो होते हैं इनके पीएच नोन होते हैं। कैलिब्रेशन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप उसे पूछता रहेगा कि पहले पीएच 4 वाले का सॉल्यूशन डिप कीजिए, तो आप यहाँ पे लेकर के आएंगे और पीएच 4 वाले की जो भी बॉटल होगी उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। अगर इस सॉल्यूशन का पीएच आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 4 ही बता रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, सही है। देर इज़ नो नीड ऑफ कैलिब्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ऐसे ही 7 का करेंगे, ऐसे ही 10 का करेंगे। सबका जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जितना पीएच वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, अगर उतना पीएच वैल्यू आपका ये बता रहा है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट सही दे रहा है और सही मेजरमेंट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसे स्टैंडर्डाइज करने का और कैलिब्रेट करने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये तीन पीएच सॉल्यूशंस आपके 4, 7 और 10 पीएच वैल्यू के स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस होते हैं। ये रेडीमेड भी आते हैं और आप इसको बना भी सकते हैं। बना करके ये नॉन पीएच सॉल्यूशंस का पहले पीएच आप लेकर के देखते हैं, अगर ये जो नॉन पीएच है वही पीएच वैल्यू आपकी ये पीएच मीटर भी दे रही, दैट मीन्स कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है ओके है, और फिर आप अपने अननोन सैंपल का पीएच ले सकते हैं। पीएच का बड़ा ही सिग्निफिकेंस है लेबोरेटरी में काम करने वाले जो भी एमएससी, बीएससी या पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, बिकॉज आप कोई भी मीडिया बनाते हो तो बगैर पीएच मेंटेन किए आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी बफर बनाते हैं, अगर आप सिंपली एक डीएनए आइसोलेशन का प्रोसेस अगर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे दुनिया भर के केमिकल्स लगते हैं, टी बफर लगता है, ट्रिस लगता है, डीटीए लगता है, और उन सभी का पीएच बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो पीएच इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कैसे आप इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, दैट इज ऑटोक्लेव, वन ऑफ द कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट एवर द लेबोरेटरीज नेम। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस के पर्पज से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आप ग्लासवेयर हो या फिर आपने मीडिया बनाया हुआ हो या फिर आपने प्लास्टिक वेयर यूज किया हुआ, बॉटल कोई भी, ये सारे चीज़ों को आप क्या करते हैं, स्टरलाइज करने के लिए इस ऑटोक्लेव मशीन में क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जस्ट प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे स्टीम स्टरलाइजेशन होता है, और इस स्टीम स्टरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नीचे एक ऐसे पूरा जैकेट होता है जो कि पूरा इसमें पानी भरा रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे एक इलेक्ट्रिक रॉड लगी हुई होती है। ये इलेक्ट्रिक रॉड जब आपकी हीट होती है तो ये पानी क्या करता है, इवेपोरेट करता है, और पानी की इवेपोरेशन होने से यहाँ पे पूरा प्रेशर बन जाता है। ये प्रेशर पूरा आपकी गॉज होती है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि यहाँ प्रेशर कितना पहुँच रहा है। 15 PSI पे जब आपका पहुँच जाता है प्रेशर, तो आप वहाँ पे उसको मतलब ये ऑटोमेटिक भी आता है, मैनुअल भी आता है। 15 PSI पे 20 मिनट्स के लिए क्या करते हैं आप, इसको ऑटोक्लेव कर देते हैं, तो पूरी तरीके से जो भी आपके जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, वॉट एवर है, कंटामिनेशन करने वाले जो एजेंट्स हैं, वो सब क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। यहाँ पे जो इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि ये स्टीम प्रेशर पे काम करता है, स्टीम बनता है, इसके बाद उससे प्रेशराइज बनती है, जिससे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशंस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस प्रेशर, इस ऑटोक्लेव के अंदर में इसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इस 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के प्रेशर पे ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया या फंगस या जो स्पोर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। कुछ जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, उनके बच जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, लेकिन माना जाता है कि ऑटोक्लेव करके लाने पर 99.9% जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है
पार्टिकल वो सब के सब क्या होते हैं, कंटामिनेशन फ्री हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से स्टरलाइज हो जाते हैं। यहाँ पे साइड में आपको एक प्रेशर रिलीज करने का नॉब दिया रहता है, इस तरीके से आप चाहे तो जब ये ऑटोक्लेव आपका हो जाता है तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो ये प्रेशर रिलीज हो जाता है। ये पूरा आपका ऊपर का जैक होता है, इसको आप बंद कर, आपको इसको खोलना होता है, अपने पूरे सामान के इसमें रख करके इसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। आप इनिशियली जब यहाँ पे इसको ऑन करते हैं तो पहले टेम्परेचर इसका बढ़ता है, धीरे 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 ये प्रेशर क्या होगा आपका बढ़ेगा, प्रेशर मूव करते करते जीरो से आपका कहाँ पे जाएगा, 15 PSI पे, मतलब यहाँ पे 15 PSI पे जब पहुँच जाता है वहाँ से आप टाइम नोट करते हैं तो वहाँ से 20 मिनट टाइम तक के लिए क्या करते हैं इसको यहाँ पे इसको रन कराते हैं। 20 मिनट्स के बाद इसका पावर ऑफ कर देते हैं, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज हो जाता है, फिर आप इसको खोल करके पूरे सामान को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें सावधानी आपको ये बरतनी पड़ती है कि यहाँ पे वाटर लेवल को चेक करने के लिए यहाँ पे एक गॉज बनी होती है साइड में, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे ऐसे बना रहता है जहाँ पे आपको पानी का लेवल दिखाता रहता है, मार्क किया रहता है कि आपका वाटर का लेवल यहाँ तक होना चाहिए। ऑन करने से पहले आपको ये देखना होता है कि पानी का लेवल कहीं डाउन तो नहीं है, अगर डाउन होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक जो रॉड होगी वो ख़राब होने का चांस होता है। तो प्रिकॉशन नंबर पहला यही है कि ऑन करने से पहले आप इसके वाटर लेवल को मेंटेन करें, अगर वाटर नहीं है तो इसके इसको ओपन करें, वाटर उसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे आप टैप वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर का आप यूज़ कीजिए क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिक रॉड को ख़राब कर देते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक रॉड को कोरोड कर देते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर से आप इसको मेंटेन कीजिए, देन इसके बाद पूरा आपको सामान यहाँ पे फिल कर देना है, इसको मतलब अच्छे तरीके से टाइटली बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद आप इसको ऑन कर देते हैं चलने के लिए। टाइमिंग का आपको ध्यान में रहे कि 15 PSI का जब प्रेशर पहुँच जाता है तो उस PSI के प्रेशर पे आप उसको 20 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, चलने देते हैं, और उसके बाद तो फिर आप उसको क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो सिंपली ये ऑटोक्लेव आपका क्या है, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, यूज़ किया जाता है, और ये प्रोसेस ऐसा है जिसके बगैर माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। इवन आप मीडिया बनाते हैं, ग्लासवेयर है, प्लास्टिकवेयर है, किसी भी अपेंड्रॉप है, टिप बॉक्स है, सब कुछ को आपको क्या करना पड़ता है, ऑटोक्लेव करना पड़ता है, क्योंकि ऑटोक्लेव करके आप उसको सामान को लेके जाते हैं लैमिनार एयरफ्लो में, तब आप वहाँ पे अच्छे से क्या करते हैं, काम करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में काम करना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको अल्टीमेटली हमेशा मतलब कि उन सारे अनवांटेड जो भी आपके माइक्रोब्स हैं उनको क्या करना है, हटाए रखना है, सिर्फ अपने वाले को क्या करना है, ग्रो कराना होता है। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो ऑटो क्लेव उस चैलेंज में आपका हेल्प करता है स्टरलाइज करने में, और चीज़ों को कंटामिनेशन फ्री बनाने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हॉट एयर ओवन। अगर आपके पास ये इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा चैम्बर टाइप का होता है, इसके अंदर में आपको ऐसे कुछ रैक बने होते हैं इस तरीके से रखने के लिए। यहाँ पे ये हॉट एयर ओवन बेसिकली आपको हीट करने के लिए होता है, ये हीट स्टरलाइजेशन करता है, वहाँ पे स्टीम था, यहाँ पे हीट है, मतलब कि अगर कोई भी सपोज आपने बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, ग्लासवेयर जो भी हैं, आपने उसको वॉश किया हुआ है, आप ड्राई करने के लिए इसमें आप रख देते हैं तो पूरी तरीके से पानी उसका इवेपोरेट हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉइस्चर होने से फंगस जो होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, फंजाई एंड बैक्टीरिया दोनों हैं। तो जितने भी ग्लासवेयर्स होते हैं वॉशिंग करने के बाद उनकी पानी को ड्रेन किया जाता है और उन सारे ग्लासवेयर्स को ला करके यहाँ पर क्या करते हैं, ड्राई किया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे और आपका वो जो ग्लासवेयर हो पूरी तरीके से कंटामिनेशन फ्री रह पाए। अदर पर्पज़ इसका ये भी है कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट लगाए हुए हैं और एक्सपेरिमेंट का मान लीजिए कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना है, आप इसको यहाँ पे रख करके इनक्यूबेट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये हॉट एयर ओवन आपका क्या करता है, हीट स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, और ये हीट के हेल्प से आपके जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने का काम करता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपकी बटन होती हैं, ये मेन स्विच होता है, ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है, और ये नॉब होती है फैन को ऑफ और ऑन करने के लिए। बाकी आप यहाँ पे टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे लीड आपको दिया रहता है। नेक्स्ट है बीडी इनक्यूबेटर। बैक्टीरियल सेल्स को या फंगस सेल्स को आपने जब किसी मीडिया पे ग्रो कराया, मान लीजिए कि आपका ये पेटी प्लेट्स है और इस पेटी प्लेट से आपने क्या किया, बैक्टीरिया की स्टिकिंग कर दी इस तरीके से, राइट। और स्टिकिंग करने के बाद आप चाहते हैं कि बैक्टीरिया हमारा क्या करे, ग्रो करे, और बैक्टीरिया को आप इंक्यूबेट करना चाहते हैं। तो बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ में एक ऐसा कंडीशन भी चाहिए जहाँ पे क्या हो, कंटामिनेशन फ्री हो। तो कंटामिनेशन फ्री करने के लिए
और ऑप्टिमम टेम्परेचर देने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, BOD इनक्यूबेटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनक्यूबेटर जो होती है वो इनक्यूबेट करने के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे ये पेटी प्लेट्स आपने स्टिकिंग किया, स्टिकिंग करने के बाद आप पेटी प्लेट्स को यहाँ पे फोल्ड करके रख सकते हैं, और यहाँ पे रखने के बाद आप इसको यहाँ पे डबल लेयर होती है, एक ग्लास का आपका डोर होता है, एक वैसे डोर होता है, बंद करने के बाद यहाँ पे आपकी डिस्प्ले होती है जहाँ से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग बैक्टीरिया को 28 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। आप ये टेम्परेचर सेट करके इसके डोर को बंद कर देते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर आपका बैक्टीरिया है तो वो 24 आवर्स में भी आपको दिखाई दे जाता है, रिजल्ट दिख जाते हैं। अगर फंगस है तो मिनिमम आपको 3 डेज क्या करना पड़ता है, इंक्यूबेट करना पड़ता है, तब जा करके वहाँ पर कॉलोनी दिखती है। तो ये BOD इंक्यूबेटर बेसिकली बैक्टीरियल को या फंगल सेल्स को ग्रो कराने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने का क्या करता है, काम करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब ये हुआ जिस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि नॉर्मली राइजोस्फेरिक जोन से निकाले जाते हैं वो सभी 20 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑप्टिमम ग्रोथ बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो उनको इस टेम्परेचर पे ग्रो कराने के लिए BOD इंक्यूबेटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेटर शेकर। अगर आप कोई ब्रॉथ मीडिया में आप काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया दो तरीके का, सॉलिड मीडिया और ब्रॉथ मीडिया, अगर मान लीजिए आपने ब्रॉथ मीडिया पे कोई काम एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है, तो ब्रॉथ मीडिया जो होता है उसमें अगर आपने कल्चर डाला हुआ है, सपोज कीजिए कि आपका ये कोई फ्लास्क है और इस फ्लास्क में आपने क्या किया है, मीडिया डाल दिया हुआ है, बैक्टीरिया है, यहाँ पे कल्चर मीडिया है और बैक्टीरिया है, आपने इसको यहाँ पे क्या किया, डाल दिया ग्रो कराने के लिए। तो अगर ये स्टेबल रहेगा तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं आती है, प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, मिक्सिंग इसकी होती रहनी चाहिए इस तरीके से, ताकि जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है वो ना हो पाए, साथ साथ उनको प्रॉपर एयर भी मिलता रहे और अच्छे तरीके से वो ग्रो भी करते रहें। फॉर दैट पर्पज़ यहाँ पे शेकर होता है जो कि क्या करता है, रोटेट करता है। शेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से क्लैंप लगा होता है, फ्लास्क को आप ला करके क्या करते हैं, इसी में ऐसे इस तरीके से फिक्स कर देते हैं। ये आपका मान लीजिए फ्लास्क है और इस तरीके से फ्लास्क आपका क्या होता है, फिक्स हो जाता है, और इसी तरीके से यहाँ पे फिक्स करने के बाद ये आप इसको सेट करते हैं रोटेट करने के लिए। RPM यहाँ पे सेट किया जाता है कि आप मान लीजिए नॉर्मली 120 RPM पे क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। तो ये आपका लगातार जितने घंटे के लिए आप यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका टेम्परेचर रहेगा कि कितने टेम्परेचर पर सेट करना है, दूसरा आपका टेम्परेचर सब में नहीं आता, कुछ कुछ में आता है, बाकी आपका RPM रहेगा और इसके बाद आपका टाइमिंग रहेगा। तो RPM हमने सेट कर दिया, टाइमिंग हमने सेट कर दिया कि हाँ इतने घंटे के तक के लिए चलाना है, तो ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, ऐसे रोटेट करता रहता है इस तरीके से। तो आपका ये पूरा ऐसे मिक्स होता रहेगा और बढ़िया तरीके से कल्चर आपका क्या करता है, ग्रो करता है। तो BOD इंक्यूबेटर हम तब यूज करते हैं जब सॉलिड मीडिया हो, मतलब कि अगार बेस्ड मीडिया हो, और शेकर इंक्यूबेटर तब यूज करते हैं जब यहाँ पे क्या हो, ब्रॉथ मीडिया हो, मतलब जब कोई हमारा क्या हो, लिक्विड हो, और लिक्विड वाले मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं, तब उसके लिए क्या करते हैं, शेकर को यूज करते हैं। तो शेकर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ में प्रॉपर एरिएशन देता है, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके और ग्रो कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है दैट इज द सेंट्रीफ्यूज। मान लीजिए आपने बैक्टीरियल कल्चर को ब्रॉथ में क्या किया, ग्रो कराया, और अब क्या किया आपने कि आप उसको आगे के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हाँ उसमें कौन सी बायोकेमिकल एक्टिविटी है, कोई मॉलिक्यूल है या नहीं है। आप उसको क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं। मान लीजिए आपका पूरा ये इस तरीके से आपका फ्लास्क था और फ्लास्क में आपने मीडिया ग्रो कराया था शेकर पे, और यहाँ से आपने मीडिया क्या किया है, माइक्रो टिप की हेल्प से, पिपेट की हेल्प से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। अब ये जो आपका पूरा मीडिया है, इस मीडिया को आपने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में भर लिया। इसके बाद आपने क्या कराया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कराया। तो सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगा उसमें 2 लेयर आपकी बन जाती है। एक तो आपकी होती है जो कि नीचे इस तरीके से आपका बैठ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, पेलेट, और एक आपका क्या होगा, दैट इज द सुपर नेटेंट। इधर वाले को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द पेलेट, और इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, सुपर नेटेंट। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी लिक्विड या ब्रॉथ मीडिया में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, और वो सेपरेशन आपका एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड करेगा कि कौन सा सेपरेशन आप चाहते हैं। मतलब आप सुपरनेटेंस एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर आप पेलेट से करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बायोकेमिकल एस्टिमेशन करना है, देखना है कि आपका बैक्टीरिया जैसे लाइक हार्मोन्स बनाता है कि नहीं बनाता है, या फिर कोई बायोकेमिकल चीज़ प्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, तो उस केसेस में मोस्टली सुपरनेटेंट में क्या करते हैं, उसको चेकआउट करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली
आपको सेपरेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। प्रिंसिपल इसका यही है कि बहुत एक फिक्स सेंटर मास पे क्या करता है, ये रोटेट करता है। रोटेशन करने से होता क्या है, यहाँ पे फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, लाइटर पार्टिकल को अपर डायरेक्शन में क्या करता है, सेट करता है, हैवियर पार्टिकल को लोअर डायरेक्शन में। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है बहुत स्पीड से चलता है। इसका आरपीएम यहाँ पे से, यहाँ पे नॉब की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइमर होता है, टेम्परेचर होता है और आरपीएम होता है। तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, टाइमर मतलब आप कितने मिनट के लिए चलाना चाहते हैं, टेम्परेचर, और इसके बाद आरपी। तो ये आपके थाउजेंड्स में चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए 5000 आरपीएम पे हमने क्या किया, बैटरिया को रन करा दिया, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे, टाइमिंग 15 मिनट के लिए। तो पूरा आपका इतनी स्पीड से रोटेट करेगा और उतनी स्पीड से रोटेशन के बाद आपके पूरे बैटरियल का जो सेल होगा वो क्या करेगा, ऐसे नीचे बैठ जाता है और उसके सुपरनेट जो होती हैं एक्वस के जो होता है वो आपका ऊपर की तरफ क्या होगा, सेट हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूज में आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए, टाइमिंग सेट करने के लिए और आरपीएम सेट करने के लिए दिया रहता है। चलाने से पहले आपको सावधानी बरतनी पड़ती है कि मान लीजिए अगर आपका कोई टेम्परेचर 4 पे काम करने वाला है तो पहले आप 15 मिनट पहले आप इसको क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद सेट कर देते हैं, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये आ जाता है, तब आप इसमें अपने ऐसे ट्यूब को या फिर पेंडॉप्स को क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पे ये ओपन मतलब ये क्लोज्ड बॉक्स है, यहाँ पे इसका ये डोर ओपन होकर दिखा रहा है कि किस तरीके से रोटर होता है। यहाँ पे ये रोटर लगा हुआ था, इसको आप रोटर बोलते हैं, जो कि जिसमें आपके स्पेस होते हैं फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका ट्यूब है जो कि इसको रखा गया है। रखने के बाद आप इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पे ऑन कर देते हैं, ये चलना शुरू हो जाता है। इसमें सावधानी यही होती है कि मोस्ट ऑफ दी जो आपके रोटर्स होते हैं, मान लीजिए उसमें सब फॉर एग्जांपल के 24 व्हील्स हैं, राइट, 24 का स्पेस है यहाँ पे इस तरीके से भरने के लिए, और आपके पास एक्सपेरिमेंट लगाने के टाइम पे 24 आपके पास ट्यूब नहीं है, तो आपको आपको करना ये होता है कि इसको बैलेंस करना होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 8 ही है, तो आप 8 लगातार ऐसे नहीं लगाएंगे, आप 4 यहाँ लगा देंगे और 4 यहाँ लगा देंगे, ताकि दोनों साइड का जो वेट है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ताकि उसको रोटेट करने में आसानी हो। अदरवाइज़ होता क्या है कि आपके रोटर ख़राब हो जाते हैं और अच्छे वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आने लगता है कि आपका रोटर बैलेंस नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लेमिनार एयर फ्लो जो कि एक बहुत ही कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज़ में, और ये भी आपका स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये भी बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के लिए। इसमें आप जो भी कोई मीडिया बनाते हैं, जो भी कोई मीडिया को ट्रांसफ़र करते हैं, आपको स्टिकिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है, पोरिंग करनी है, माइक्रोपिपेट से आपको कोई मीडिया ट्रांसफ़र करना है, ये सारा काम आप इसी लेमिनार एयर फ्लो में करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बर्नर होता है जो कि फ्लेम जलता रहता है और आग यहाँ से मतलब फ्लेम निकलती रहती है। यहाँ पे ब्लोअर लगा होता है जो कि एयर का डायरेक्शन इस तरह मतलब आपकी तरफ होता है, और आप यहाँ पे बैठे हुए थे समवर्ट चेयर लगा करके, और यहाँ पे रह करके आपको इस पर काम करना होता है। इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी पड़ती है कि यहाँ पर आपको यूवी लाइट भी दिया रहता है और इसके बाद आपका नॉर्मल विजिबल लाइट भी दिया रहता है। तो पहले ऑन करने से पहले आप यूवी लाइट को 5 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे ये जो ग्लास वेल्स लगे होते हैं, या तो इस पर आप पेपर वुड का कवर लगाते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर कर्टन लगा देते हैं, पूरा ये कवर रहेगा। जब आपकी यूवी लाइट ऑन हो तो बेसिकली ये आपका लेमिनार एयर फ्लो का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। आप या तो उस रूम से बाहर निकल जाइए, अगर आप उसी रूम में हैं तो एटलीस्ट आप इसको कवर करके रखे रहिए। यूवी लाइट को ऑफ करने के बाद आप इस पर आप अच्छे से बैठते हैं, यहाँ पे बर्नर होता है, उसको ऑन करते हैं। अंदर जाने से मतलब अंदर हाथ ले जाने से पहले आप अच्छे तरीके से अपने हाथ को जो भी स्प्रिट है उससे क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं अपने पूरे पाम को, और फिर इसके बाद अपने जो भी सामान है उसको यहाँ पर सेट करते हैं। और सेट करने का तरीका वही होता है कि जो आपका बर्नर है, बर्नर के जस्ट पीछे कोई भी सामान आप नहीं रखें ताकि एयर अच्छे से आता रहे। यहाँ पे स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कोई भी मीडिया का पोरिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है, स्टिकिंग करनी है, कुछ भी करना होता है तो लेमिनार एयर फ्लो में आप जा करके काम करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में ऐसे खुले स्पेस में कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किए जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल आपको करना होता है वो सब का सब आप लेमिनार एयर फ्लो में ही जा करके काम करते हैं। नेक्स्ट आपका दैट इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत टाइम से आप देख रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट है
आपको माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में इनिशियली पहले आप बैक्टीरिया का आइसोलेशन करते हैं, बैक्टीरिया को आप देखना चाहते हैं बैक्टीरिया कैसा दिखता है। ये बैक्टीरिया का इमेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने PhD के टाइम पे फोटो लिया हुआ है और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पूरा प्रॉपरली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको दिख रहा है। ये जो डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टेनिंग करने के बाद का आपका ये पूरा फोटो है। और ये आपका जो माइक्रोस्कोप है, ये तो हालांकि इमेज है, लेकिन हमारी लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप था काफ़ी अच्छा है, जिससे कि आप ये इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइक्रो पार्टिकल्स को आपको दिखाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल अलग से डिटेल में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बायोलॉजी वाले वीडियोज़ में पढ़ाया हूँ कि किस तरीके से इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे ये काम करते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। किसी भी बायोकेमिकल एनालिसिस करने के लिए ODI आपको लेनी पड़ती है, मींस ऑप्टिकल डेंसिटी मेजरमेंट करना पड़ता है। और वो ऑप्टिकल डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंदर यहाँ पे ये जो नॉब दिखाई दे रही है, ये इसको ओपन, शटर को ओपन करने के लिए होता है। शटर जैसे ओपन होगा, यहाँ पे एक ऐसे क्यूबेट को रखने के लिए क्या होता है, स्पेस होता है, आप यहाँ पे क्यूबेट को रख देते हैं। एक क्यूबेट आपका यहाँ पे रखा जाता है, क्यूबेट दोनों रखने के बाद आप इसको क्या करते हैं, उनके ODI को मैचअप कराते हैं, जिसको कि आप जीरो सेटिंग या बेस लाइन मैचिंग बोलते हैं। बेस लाइन मैच कराने के बाद आप इस वाले को यहीं पर रहने देते हैं, इसमें अपना सैंपल क्या करते हैं रखते हैं, और इसके रेफरेंस में जो उसकी ODI की वैल्यू आती है, ये इस पर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ये आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, लैपटॉप में आपके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। लैपटॉप पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आपका जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है। चलाने से पहले आपको जब इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रीडिंग लेनी है, तो एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। लैपटॉप पे कनेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई देना शुरू हो जाता है, और इस पे आपको पूरी सेटिंग आती है किस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं, राइट। अब हर लेबोरेटरी में अलग अलग कंपनी के, अलग अलग ब्रांड के आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, उनका इंटरफेस, उनकी सेटिंग का तरीका अलग अलग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने थर्मोफिशर का आपको दिखाया हुआ है, थर्मोफिशर का आपका इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है। वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली इनका यही है कि जो भी आपके रेफरेंस वाले सैंपल होते हैं, उसके रेफरेंस में जो आप एनालिसिस करने के लिए सैंपल यूज कर रहे हैं, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कितना ज़्यादा है, उसी चीज़ को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। इस वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि बेसिकली हमें एक वेवलेंथ की वैल्यू मालूम होती है। सब फॉर एग्जांपल, अगर हमें मान लीजिए इंडोर एस्टिक एसिड का एस्टिमेशन करना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास अलग वेवलेंथ होती है। हमारा अगर हमें ऑक्सैलिक एसिड का एस्टिमेशन करना है, तो हमारे पास उसके लिए अलग वेवलेंथ होती है। तो ये प्रोटोकॉल आपको देखना पड़ता है, और बेसिकली इससे आप किसी भी केमिकल की प्रेजेंस को और किसी भी केमिकल की क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपने दो चीज़ से जाना कि कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है और है कि नहीं, तो ये इंस्ट्रूमेंट इस पर्पज से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डीप फ्रीजर जो कि बेसिकली -20 है, और यहाँ पे आप बहुत सारे मतलब कल्चर होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको रखने के लिए माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में डीप फ्रीजर का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इस ये एक तरीके से क्रायो प्रिजर्वेटिव में काम आता है, मतलब कोई चीज़ को छिल करके प्रिजर्व करने के, रखने के पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वाटर बाथ जो कि एक तरीके का हीटिंग का मतलब प्रोसेस देता है, लेकिन यहाँ पे वाटर होता है, डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती है, मॉइस्चर मतलब वाटर को हीट किया जाता है, और वाटर के हीट से कोई भी आपका जो मीडिया होगा या कोई भी जो आपके केमिकल्स हैं उनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे वाटर के टेम्परेचर को सेट करने के लिए वैल्यू दिया रहता है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 60 पे सेट करना है, 40 पे सेट करना है, 30 पे सेट करना है, या फिर कितना रोटेट कराना है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही ये नॉब लगे हुए होते हैं। वेइंग बैलेंस, किसी भी केमिकल को, कोई भी मीडिया बनाने के लिए आपको सबसे पहले वे करना जरूरी होता है, और वेइंग बैलेंस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे ओपन वाले भी आते हैं, क्लोज वाले भी आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी मैक्सिमम टाइम पे ऐसे क्लोज वाले आपको दिखाई देते हैं, इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से एयर का प्रेशर नहीं रहता। ये चैम्बर आपका बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे एयर का प्रेजेंस या एयर का प्रेशर जीरो हो जाता है। यहाँ पे अगर आप मेजर करते हैं तो केमिकल्स फ्लक्चुएट करते हैं वेइंग बैलेंस पे, और चूंकि माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में आपको सबको सब MG में या फिर MUG में क्या करना होता है, मेजर करना पड़ता है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये सारा आपका कॉमन इंस्ट्रूमेंट था जो कि माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं।
होपफुली कि आप इन सभी चीज़ों से सेंसिटाइज हो गए होंगे, देख लिया होगा आपने और समझ में भी लिया गया होगा कि हाँ किस तरीके से इसका कॉमन क्या है, यूज है। अगर आपको इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में उनके प्रिंसिपल के बारे में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख करके भेज सकते हैं कि सर हमें इस पे थोड़ा डिटेल में वीडियो आप बना के दीजिए, तो डेफिनेटली आपकी उस क्वेरी को पूरा किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।